हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बात फरीदाबाद की, जहां पर सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हरियाणा शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर महावीर सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने स्कूलों की नई बिल्डिंग निर्माण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हरियाणा के सभी ऐसे सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। दरअसल फरीदाबाद के 8 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग कंडम हो चुकी है। उन सभी पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद सरकार की तरफ से कोर्ट में नई बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का एफिडेविट दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक एकता मंच ने दायर हाईकोर्ट में याचिका की थी। इन 8 स्कूलों में से जिनकी बिल्डिंग काफी जर्जर थी, कमरे खस्ता हाल थे, जो जरूरी संसाधन है जैसे पीने के पानी, टॉयलेट, खेल का मैदान, साइंस लैब और कंप्यूटर व्यवस्था, ये सब भी वहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं थी। 5 स्कूल तो हुए हैं जिनको सरकारी स्तर पर जिनके कमरों को कंडम घोषित कर दिया गया था, और 5 स्कूलों को कमरों को बनाने के लिए और नई बिल्डिंग बनाने के लिए PWD को 2017 में ही आदेश दे दिए गए थे। इन 5 स्कूलों के जो बनाने का काम दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया। परेशानी में पड़ते हैं बच्चे, जब बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता, छुट्टियां कर देते हैं। अब ये समस्या का कहे किससे, स्कूल वाले तो ये कहते हैं कि भैया हमारे तो बस के है नहीं पैसा हमको देने के, चलो भाई हम करवा दे बिजली वाले बुला के। ना 3 अब लगी है, पहले तो ऐसा ही था खुला, पहले कमरों में बैठते थे, जब से 12वीं का हुआ जब ही से पढ़ रहे हैं। हाई टेंशन वायर ऊपर है, नीचे सिवर लाइन डली हुई है सारी, तो उनसे पानी भर जाता है और टीचरों ने अब करवाया उससे सही।